चलिए, तो आज एक लास्ट कंसेप्ट होगा आई सेंटर का, और उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलिए देखो कंसेप्ट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लिया कि मेरे पास एक पर्टिकुलर लिंक अवेलेबल है, लेट दिस इज अ लिंक अवेलेबल टू मी, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने बोला कि भाई ये जो लिंक है, इस लिंक का ये वो जो पॉइंट है, ये लिंक ए भी मान लिया मैंने, ए दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने बोला कि भाई ये जो पॉइंट बी है ना, वो इस तरफ जा रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, विद सम वेलोसिटी वी बी, ठीक है। वी बी एक वेक्टर है जो इस पॉइंट की, बी पॉइंट की वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे शो कर रहा है, और मैंने ये माना है कि ये जो बी ए है, जो ए पॉइंट है, अच्छा इसकी वेलोसिटी मुझे पूरी तरीके से क्लियर है, और ये जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर पॉइंट ए का वो इस तरफ जा रहा है, और बी पॉइंट का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो उस तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो लिंक मेरे पास अवेलेबल है वो कौन सी लिंक है, ये वाली लिंक अवेलेबल, ठीक है। ये आपकी लिंक है, ये वाली, सॉरी ये वाली रेड वाली, यहाँ से यहाँ पर ये ए भी आपकी लिंक थी। अब मुझे ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो लिंक ए बी है वो किधर घूम रही होगी, किस पॉइंट के अबाउट घूम रही होगी। तो सिंपली मैंने आपको बताया, तो कुछ नहीं करना इसका, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर इधर है, इसका जो भी आई सेंटर होगा, ये मतलब ये जो पॉइंट बी है, ये जो लिंक बी है, वो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन पर एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके अबाउट आपकी ये जो लिंक है वो रोटेट कर रही होगी। सिमिलरली अगर वी ए पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर ये है, ये पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर ये है, तो इसके परपेंडिकुलर, इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। ये यहां पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके अबाउट ये जो आपकी लिंक ए बी है वो रोटेट कर रही होगी, और जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो इस पॉइंट, इस लिंक का आई सेंटर हो जाएगा, इस इंस्टेंट पर ही आई सेंटर हो गया। ये समझ में आ गई बात, बताइए, टेल मी, यहां तक समझ में आ गया। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई, ये जो लिंक है वो किसी ना किसी एक एंगुलर वेलोसिटी से तो घूम रही होगी, ये इस इंस्टेंट पे ये जो लिंक ए बी है वो किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी अबाउट पॉइंट आई, आई के अबाउट घूम रही होगी कि नहीं घूम रही होगी। अब आप मुझे ये बताओ, क्या वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी ये क्या होगा, अगर एक लिंक ए बी है इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, अगर इंस्टेंट की बात करेंगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी क्या हो जाएगी, आर ओमेगा वाला कंसेप्ट। और ये जो लिंक ए बी है, जब पूरी लिंक ए बी आई के अबाउट घूम रही है, रोटेट हो रही है, तो ये पॉइंट बी भी तो आई के अबाउट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है ना, और यहां से यहां तक की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वेक्टर की, तो इसकी वैल्यू क्या बी आई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा ए बी नहीं होगी, टेल मी, ये होगा कि नहीं होगा, बस ये बताइए, हो जाएगा कि नहीं, है ना। हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर वन मान ली, सर। और इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दैट इज ए आई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा ए बी, ये भी ठीक है कि नहीं, है ना। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको बोल दिया कि ये जो पॉइंट बी है, ये बी पॉइंट है, उस पॉइंट की इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी मान ली, मैंने बोल लिया कि 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये आप पता कर सकते हो, आई ओमेगा कोई एंगल वगैरह इसमें दिए होंगे कि यहां से यहां तक का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, 20 डिग्री, जो भी एंगल दिया होगा, साइन थीटा इसकी लेंथ दी हुई होगी, ए बी लिंक की जो लेंथ है वो दी गई होगी आपको, तो यहां से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लगा करके आप ए बी आई की डिस्टेंस वैल्यू निकाल सकते हो, और जैसे ही आपको बी आई मिलेगा, क्या आप यहां से ओमेगा ए बी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा ए बी, निकल जाएगा, ठीक है। और ये ओमेगा ए बी मैंने बोले, हाँ वी बी मैंने, ये ओमेगा ए बी यहां पुट करेंगे, और ए आई ये ए आई बी पुट कर लेंगे, तो उस इंस्टेंट पे आप कोई भी पॉइंट हो इस लिंक पर, उस लिंक की वेलोसिटी आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए ऑल्सो, ये पॉइंट की वेलोसिटी भी निकाल सकते हो कि नहीं एग्जैक्टली, तो बस वही है। और अगर आप यहां से देखोगे ओमेगा ए बी ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर बात करेंगे ओमेगा ए बी, तो ओमेगा ए बी किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी अपॉन बी आई, और ओमेगा ए बी एक और बराबर होगा किसके, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए अपॉन ए आई, ठीक है, ए आई। तो याद रखना है कि इस वाले केस में ये रेशियो, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी अपॉन बी आई इट शुड बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए अपॉन ए आई
इट शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा एवी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताइए यहां तक क्लियर है सब? ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब अगली बार, अगला जो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये तो देखो रेशियो, अब मैं अगर इस लिंक पर कोई भी एक पॉइंट मानू आपको, एनी वन पॉइंट, जैसे मैंने बोला इस लिंक पर एक पॉइंट सी भी है, एक पॉइंट सी यहां कहीं है, तो क्या आप उस सी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बताइए निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस इंस्टेंट पे इस ए बी के सारे पार्टिकल इस आई पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इस पर, इस इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ये 90 डिग्री बनाएगा, नहीं बना रहा कोई दिक्कत नहीं है, और ये एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, या तो वो इधर जा रहा होगा या इधर जा रहा होगा, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो वाला पॉइंट भी इधर जा रहा होगा, और यू कैन इजिली फाइंड आउट द वेलोसिटी, ओमेगा पता होगा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस यू कैन फाइंड आउट इजिली, एंड यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यूज, ठीक है, रिक्वायर्ड टू यू। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर है। चलिए अब हम इसके एक दो न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब इसका एक आध न्यूमेरिकल करते हैं, वो हालांकि मैं इसका फोटो इसमें नहीं खींच पाया हूं, बता देता हूं क्वेश्चन लिख लो इसका न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है, इन ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इन ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द लेंथ ऑफ द क्रैंक एंड द कनेक्टिंग रॉड आर length of the crank and connecting rod are 200 mm and 800 mm respectively, 200 mm and 800 mm respectively, ठीक है, respectively. Locate all the eye centers of the mechanism. All the eye centers of the mechanism for the position of the crank. For the position of the crank when it has turned 30 degree from the inner dead center, IDC, ठीक है, also find the velocity of the slider, also find the velocity of the slider, velocity of the slider and the angular velocity of the connecting rod and the angular velocity angular velocity of the connecting rod if the crank rotates at 40 radian per second if the crank rotates at 40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ गया? देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन समझ लेते क्या क्या हमें दिया हुआ, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है हमारे पास, और उसकी जो लेंथ ऑफ क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, तो क्रैंक की लेंथ मान लेते हैं आर,
जो कि रैंक रेडियस के बराबर है, 200 एमएम दिया है, और कनेक्टिंग रॉड की जो लेंथ एन मान लेंगे, वो कनेक्टिंग रॉड की लेंथ दे दी हमें 800 एमएम, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। सारे आई सेंटर हमें लोकेट करने हैं, आई सेंटर की लोकेशन बतानी है, कहाँ कहाँ होंगे ये बताने हैं। आई सेंटर हम कहें फॉर द पोजिशन ऑफ द क्रैंक वेन इट हैज टर्न 30 डिग्री फ्रॉम आई डेड सेंटर, मतलब एंगल जो थीटा दिया है वो 30 डिग्री दिया है फ्रॉम इनर डेड सेंटर की बात करेंगे, क्रैंक आपकी इनर डेड सेंटर से 30 डिग्री रोटेट हो चुकी है। ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर पता करना है बिल्कुल, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्रैंक, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा क्रैंक निकालना है, कनेक्टिंग रोड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रोड सीआर निकालना है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रोड भी निकालना है, ओमेगा सीआर कनेक्टिंग रोड निकालना है। अगर ओमेगा सी दैट इज क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी हमें दी हुई है, इट इज गिवन दैट इज 40 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमें एक स्लाइडर क्रैंक चेन बनानी है, तो देखो अगर हम स्लाइडर क्रैंक चेन की बात करते हैं, ये हमारा क्रैंक होती थी, है ना, यहां पे आपका स्लाइडर होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट डायमेंशन की वैल्यूज जो है मार्क करो, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें आप लोगों को किसी भी डायमेंशन से मार्क कर सकते हो। तो देखो ये आपकी लिंक वन, यहां पर ये भी लिंक वन, ये क्रैंक लिंक नंबर टू, ये थ्री, और इसको फोर मान लेंगे, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब बोला गया कि इनर डेड सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, तो देखो ये आपकी क्रैंक घूम रही है, ठीक है, ये आपकी क्रैंक टर्न कर रही है, तो देखो ये आपका इनर डेड सेंटर होगा, ये अगर पिस्टन की बात करेंगे तो पिस्टन आपका यहां और यहां रेसिप्रोकेट करेगा, इस जोन में रेसिप्रोकेट करेगा कि नहीं, तो ये इसका टॉप डेड सेंटर हो जाएगा। अगर टॉप डेड सेंटर की बात करें, अगर ये वर्टिकल कंडीशन में होता तो टीडीसी होता, वर्टिकल कंडीशन में होता तो टीडीसी होता, और हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है तो टीडीसी की जगह पर हम आईडीसी लिख देते हैं, इनर डेड सेंटर, ठीक है। और अगर हम वर्टिकल कंडीशन में होता तो ये आपका बॉटम डेड सेंटर होता, बीडीसी, और ये आपका आउटर डेड सेंटर होता, या हॉरिजॉन्टल कंडीशन में ये ओडीसी होता है, आउटर डेड सेंटर, याद रखना है। अगर ये सिलेंडर आपका हॉरिजॉन्टल कंडीशन में होता है तो इनके नाम जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वर्टिकल कंडीशन में टीडीसी और बीडीसी होता है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में टीडीसी जो होता है वो आईडीसी बन जाता है, बीडीसी बन जाता है ओडीसी। तो जब आपका पिस्टन टीडीसी पर कब पहुंचेगा, जब ये वाला पॉइंट यहां पर होगा, इसका मतलब यहां पर कौन सा पॉइंट होगा आपका, आईडीसी इनर डेड सेंटर ये हो जाएगा, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका आउटर डेड सेंटर ओडीसी। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या, किसी को प्रॉब्लम, हाँ जी टेल मी, यहां तक समझ में आ गया, हेलो, यस सर। तो ये जो एंगल दिया गया है ना, ये वाला, ये एंगल दिया गया आपको 30 डिग्री, इनर डेड सेंटर से जब ये 30 डिग्री बना रहा है तो उस केस में आपको वैल्यूज निकालनी है ये सारी। चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, उस पेज में फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब आपको शायद डायग्राम क्लियर है, तो मैं एक जल्दी से इसका रफ डायग्राम और बना देता हूं इस तरीके से। ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, इसको मैंने 1 मान लिया, ये लिंक 2 मान ली, ये 3, और ये मान लिया 4, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले सारे आई सेंटर लोकेट करने हैं, तो आई सेंटर लोकेट करने का जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था वही है कि सबसे पहले हमें आई सेंटर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो पहले तो देख लेते हैं, चार, क्योंकि चार लिंक है तो नंबर ऑफ आई सेंटर, सिंस द नंबर ऑफ लिंक्स स्मॉल एन, इट इज इक्वल्स टू 4, चार लिंक है, सो नंबर ऑफ आई सेंटर, टोटल नंबर ऑफ आई सेंटर्स कितने होंगे, आई सेंटर्स विल बी कैपिटल एन इज इक्वल्स टू एन एन माइनस 1/2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 × 3/2, है ना, दैट इज 6, 6 आई सेंटर आ जाएंगे। कौन से आई सेंटर होंगे, तो आपको पहले बता देंगे कि 6 आई सेंटर होंगे, तो मैंने आपको दो मेथड बताए थे, दोनों में से कोई मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब देखो करना क्या है इसमें, अच्छा ये क्रैंक की लेंथ दे दिया, आर हमें दे दिया 200, और एल दे दिया है 800, ऐसा कुछ दिया है हमें, ठीक है मैम।
अब क्या करना है, सबसे पहले मार्क 4 पॉइंट मार्क कर लेंगे हम, उसी तरीके से जितने नंबर की लिंक होती है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट हमने मार्क कर दिए। और जो पॉइंट होते हैं हम लोग, क्योंकि चार चार लिंक है तो चार लिंक का हम एक पॉलीगन बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर हम मैंने बोला था कि इनको मैच करते जाएंगे, तो पहला आई सेंटर को होगा, 1 को 2 से मैच करेंगे डायरेक्टली, तो ये आई सेंटर 1 2 हो जाएगा। 1 2 कब मिलेगा, जब 1 को 2 से साथ, तो 1 और 2 का आई सेंटर कहां पे होगा, ये आपका आई सेंटर 1 और 2 यहां पर कनेक्टेड है, तो ये आई सेंटर 1 2 हो जाएगा, है ना, ये 1 2 हो गया। अगला आई सेंटर 2 को 3 से कनेक्ट करेंगे, तो 2 को 3 से यहां पे इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा, तो आई सेंटर 2 3 बन जाएगा। ये जो प्रोसीजर जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब आपको लिखना भी है, ठीक है। मार्क आई सेंटर 2 3 विद सॉलिड डाई, तो इसको कॉन्टिन्यूस लाइन से मिला दिया, 2 3 कहां पे होगा, यहां पे आपका आई सेंटर 2 3 हो जाएगा। इसके बाद 3 को 4 से मिलाया, तो आई सेंटर 3 4 मिलेगा आपको। ये जो मैं बोल रहा हूँ बेटा, वो सारा प्रोसीजर आपको लिखना है ना, इस जो जो आप वट एवर यू आर परफॉर्मिंग, यू हैव टू राइट दोज थिंग्स इन द वॉइड। तो 3 को 4 से कनेक्ट किया, तो 3 4 मिल जाएगा आपको, आपको 3 4 मिल जाएगा। जब 3 को 4 से, 3 एरा 4 एरा, तो यहां पर कनेक्टेड है, तो ये 3 4 मिल जाएगा। इसके बाद 1 को 4 से कनेक्ट करेंगे, तो ये 1 4 मिल जाएगा, आई सेंटर नंबर 1 4, तो 1 एरा 4 एरा। तो हम क्या करेंगे, इसका आई सेंटर कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, इन्फिनिटी पे जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। और इसको यहां भी मार्क कर देते हैं, क्योंकि जहां जहां पॉइंट लिंक 1 होती है, उसको वहां वहां मार्क कर देते हैं, ठीक है। सारे मार्क हो गए, 1 2 3 जो भी विजिबल है, तो ये 1 4 हो जाएगा एट इन्फिनिटी, 1 4 एट इन्फिनिटी। तो आपने यहां तक एक आंसर मार्क कर दिया, सो दिस मतलब अभी तो विजुअलाइज जो भी हमें विजिबल है सारे आई सेंटर, वो हमने मार्क किए, ठीक है। अब कौन से रह गए, क्योंकि अभी कनेक्शन किस किस का नहीं हुआ है, अभी हम लोगों ने, अभी हमने 1 को 3 से कनेक्ट नहीं किया, तो कनेक्ट करेंगे 1 को 3 से डॉटेड लाइन से, तो दिस विल बी द आई सेंटर 1 3। 1 3 कैसे मिलेगा, इस लाइन के दोनों तरफ वाले ट्राइंगल को देखेंगे, तो इस लाइन के राइट वाले ट्राइंगल को देखेंगे, तो 1 2 को 2 3 से कनेक्ट करते हुए लाइन खींचनी है, तो 1 2 कहां है, ये रहा, 2 3 कहां है, ये रहा, तो इनको मिलाते हुए एक्सटेंड करते हुए एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे आगे पीछे, इसको इधर और इसको इधर, ठीक है। फिर 1 4 को और 3 4 को, 1 4 कहां है, ये भी 1 4 इन्फिनिटी पर है, 1 4 ये रहा, और 3 4 कहां है, 3 4 ये रहा, है ना, ये 3 4 है, ये 3 4 हो गया, आई सेंटर 3 4 यहां पर, तो 1 4 3 4 को आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो हमें एक लाइन मिलेगी यहां पर कट करते हुए, ये जो आपका आई सेंटर होगा, दिस आई सेंटर विल बी आई सेंटर नंबर 1 3। है ना, 1 3 कब मिलेगा, 1 2 को और 2 3 को, 1 2 को 2 3 को आगे पीछे एक्सटेंड किया, सही है, और 1 3 सॉरी 1 2 को और 2 3 को, 1 2 2 3, 1 4 एंड 3 4, 3 4 ये रहा, 1 4 ये रहा, नहीं गलत हो गया, ये यहां पे जाएगा बेटा, गलत हो गया, ये वाला सॉरी, ये 1 3 नहीं होगा, ये वाला 1 3, इसको जब 3 4 ये रहा, और 3 4 ये रहा, और 1 4 ये रहा, तो इसको आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे ना, तो यहां कहीं मिलेगा, इधर यहां मिलेगा, ये वाला होगा, ये होगा 1 3, ये आपका 1 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा 1 3, समझ में आया, हाँ जी, हेलो, यस सर, I3 1 3 उधर नहीं होगा, 1 3 इधर ही होगा, ये वाला होगा 1 3, ठीक है। 1 3 कब मिलेगा, 1 2 को 2 3 से मिलाएंगे, 1 2 ये रहा, 2 3 ये रहा, इसको आगे पीछे एक्सटेंड किया, इधर चला गया, फिर 3 4 को, 1 4 को, 3 4 ये रहा, 1 4 इसी पे जा रहा है, तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपकी लाइन कौन सी हो जाएगी, ये आपका पॉइंट जो होगा आई सेंटर 1 3, 1 3 मिल गया आपको। अब चौथा आई सेंटर कैसे निकालेंगे, लास्ट वाला, छठवा, तो लास्ट वाला क्या, लास्ट वाले क्या करेंगे, इन लाइन को आपस में डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देंगे, तो इस तरीके से डॉटेड लाइन से कनेक्ट करो इसको इस तरीके से। तो ये 2 को 4 से कनेक्शन नहीं हुआ था, 2 4, ये आपका आई सेंटर 2 4 हो जाएगा। 2 4 कब मिलेगा, जब इस लाइन के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ मार्क कर लेंगे आप, तो इसके राइट में कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, कौन कौन सी आर्म्स है, 2 3 और 3 4, 2 3 और 3 4 को कनेक्ट करो, 2 3 ये रहा, 3 4 ये रहा, तो इन दोनों को आगे पीछे एक्सटेंड किया, तो ये इधर चला गया, और एक हो गया 1 4 को और 1 2 को, 1 2 ये रहा, 1 4 इधर जा रहा है इन्फिनिटी पे, तो जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला, ये आपका आई सेंटर कौन सा हो जाएगा, 2 4,
आपको आई सेंटर 2 4। इन दिस वे यू हैव मार्क्ड ऑल द आई सेंटर्स। अब सारे आई सेंटर मिल गए ना, 6 आई सेंटर मिल गए, एक ये रहा, 3 4 5 और ये इन्फिनिटी वाला 6 आई सेंटर मिल चुके हैं। तो इन दिस वे यू हैव मार्क्ड ऑल द आई सेंटर। तो सारे आई सेंटर आप लोगों ने मार्क कर लिए, इतना आपको पता चल गया। यहां तक एक स्टेप आपका एक आंसर आ चुका है, सारे आई सेंटर आप लोगों ने मार्क कर दिए। जिस प्रोसीजर से जिस जिस तरीके आपने मार्क किए हैं, द सेम प्रोसीजर यू हैव टू राइट इन योर वर्ड्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब क्या करना है, अब हमें पहला तो ये बताना है कि ये जो स्लाइडर है उस स्लाइडर की वेलोसिटी क्या है। ठीक है, स्लाइडर का जो वेलोसिटी है वो कितनी है, मतलब हमें वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर निकालना है। अब वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, स्लाइडर कौन सी लिंक है भाई साहब, विच लिंक इज स्लाइडर, चौथी लिंक है। ठीक है, और किस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी हमें बताया, लिंक नंबर 2 की। तो मैंने क्या बोला था आपको, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग वेलोसिटी रेशियो थ्योरम, अप्लाइंग वेलोसिटी रेशियो थ्योरम। क्या होगा, जो जिनकी बीच में वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है, देखो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 4। ठीक है, जिस लिंक की ये वेलोसिटी पता है उसको लिख देंगे और जिसकी निकालनी है उसको लिख देंगे। अब बोलोगे कि सर ये जो ओमेगा है वो स्लाइडर में तो ओमेगा नहीं आएगा, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं अभी। देखो जिन लिंक की हम बात करेंगे 2 और 4 की, 2 और 4 लिंक की हम बात करेंगे, इन 2 और 4 लिंक की बात करेंगे, तो 2 और 4 इसका कॉमन आई सेंटर हो जाएगा, इनका कॉमन आई सेंटर हो जाएगा। और जो कॉमन आई सेंटर 2 4 होगा, उस कॉमन आई सेंटर को मैंने बोला था किसी तीसरी लिंक, किसी तीसरी फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस तीसरी फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में इनके मोशन को कंसीडर करेंगे और इनकी वेलोसिटी चेक करेंगे। तो आप देखोगे चाहे तो आप 2 4 को लिंक 2 पर कंसीडर करो या लिंक 4 पर कंसीडर करो, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मींस द वेलोसिटी रिमेन सेम, है ना। इसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ये मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो अब या तो उस वाले कंसेप्ट से देख लो या यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या करना है, जो 2 4 है 2 4 यहां लिख दो, 2 4 यहां लिख दो, इसके बाद यहां 4 है तो फिक्स लिंक यहां लिखो और यहां 4 और यहां भी फिक्स लिंक और 2, मतलब क्या कि ओमेगा 2 इंटू 2 4 1 2 इट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा 4 2 4 1 4। ठीक है, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये भाई वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर ही तो है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर और वेलोसिटी ऑफ आई सेंटर 2 3। ठीक है, 2 3 पॉइंट की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, या दिस इज ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 इंटू आई सेंटर 2 4 और 1 2, है ना, समझ में आया। नहीं, मैंने पिछले लास्ट टाइम आपको क्या बताया था, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि जो वेलोसिटी है लिंक 2 की वो नोन है हम लोगों को, एंड द वेलोसिटी ऑफ लिंक 4 इज टू बी फाइंड आउट। तो हम क्या करेंगे, हम आई सेंटर, जो आई सेंटर 2 4 है, जिन लिंक की, जिन दो लिंक के बीच बारे में बात हो रही है, उन दोनों लिंक को कंसीडर कर देंगे। तो इन दोनों लिंक का जो आई सेंटर होगा, आई सेंटर दैट इज 2 4 विल हैव द सेम वेलोसिटी, इट विल हैव द सेम वेलोसिटी वेदर इट इज एज्यूम्ड टू लाई ऑन द लिंक 2 और लिंक 4। ठीक है, तो पहले हम ये ज़ूम करेंगे कि लो जो लिंक आई सेंटर 2 4 है वो किस लिंक पर है, 2 लिंक पर है, या तो आप इस तरीके से देख लो या दूसरे तरीके से। तो मैंने ये बोला कि अगर ये लिंक 2 है आपकी, ये लिंक नंबर 4 है आपकी, तो लिंक 2 और लिंक 4 तो इनका कॉमन आई सेंटर 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 4 की वेलोसिटी जो होगी वो सेम रहेगी, चाहे तो आप इसको लिंक 2 पर कंसीडर करो या लिंक 4 पर कंसीडर करो। तो पहले हम ये मान लेंगे कि जो आपका आई सेंटर है 2 4 वो लिंक 2 पर लाई कर रहा है, लिंक 2 इतनी बड़ी है कि ये 2 4 इस पर लाई करेगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जिस लिंक, जिस फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि फिक्स लिंक हमने, क्योंकि तीसरे लिंक के रेस्पेक्ट में इसका मोशन चेंज नहीं होगा और तीसरे लिंक फिक्स लिंक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो लिंक 2 है बहुत बड़ी है, मतलब कुछ इस तरीके से इतनी लंबी बड़ी है, इस तरीके से इसके अबाउट टर्न हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आई सेंटर 2 4 की, इसकी वेलोसिटी विल बी, इट विल बी 2 4 और ओमेगा, ओमेगा ऑफ दिस लिंक एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 4 एंड 1 2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी, और इसका ओमेगा, लिंक 2 का ओमेगा ये हो जाएगा। फिर अगली बार में हम इसको लिंक 4 पे कंसीडर करेंगे, ये इतना बड़ा है ये, और चाहे तो आप इस लिंक की वेलोसिटी 2 4 के रेस्पेक्ट में, मतलब
टू फोर की वेलोसिटी, या तो ये मान के चलो कि ये लिंक टू पर है, या ये मान के चलो ये थ्री फोर है, दोनों टाइम में इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। आपको उतना याद नहीं रखना है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और इसमें जब भी आपको लगे कि एक लिंक इसमें स्लाइडर है, जब भी आपको लगे कि एक लिंक इसमें क्या है, वन लिंक इन दिस इज स्लाइडर, इसमें एक लिंक आपको ऐसा लगता है कि एक लिंक इसमें क्या है, स्लाइडर है, तो उस वाले केस में जो लिंक स्लाइडर है उसको आप उसकी वेलोसिटी लिख देंगे, बस जहां ओमेगा आ रहा है, जो लिंक आपको लगे कि ये स्लाइडर है वहां उसकी वेलोसिटी कितनी लिख देंगे, ओमेगा लिख देंगे और अपना काम खत्म कर देंगे। तो जैसे ही मैंने बोला कि ओमेगा टू इंटू दिस, ओमेगा फोर इंटू दिस, और मैंने बोला ओमेगा फोर जो आपकी फाइनल लिंक है जो कि स्लाइडर है, तो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर हो जाएगी, कौन सी, ओमेगा फोर इंटू द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर एंड वन फोर, ठीक है, टू फोर एंड वन फोर के बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी। ओके तो यहां से आप निकालो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, स्लाइडर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टेल मी, सो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर विल बी दिस। अब देखो ओमेगा टू आपको पता है कितना दिया, ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड, देखो जरा एक बार, व्हाट इज द ओमेगा, हेलो, हेलो, ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे वेलोसिटी कितनी आएगी। देखो ओमेगा टू आपको पता है, ओमेगा टू कितना है, ओमेगा टू इज गिवन टू यू, दैट इज 40 रेडियन पर सेकेंड है ना, ओमेगा टू जो क्रैंक की एंगुलर वेलोसिटी है वो 40 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी। और देखो 2, 4 और 1, 2 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये आपका 2, 4 हो जाएगा और ये आपका 1, 4, 2, 4 और 1, 2 के बीच की डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताइए, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप लोग, टेल मी, बताओ। तो देखो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, देखो ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60, है ना, ये टोटल 90 बन रहा है, ये 60 हो गया। अब आप देखोगे इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, देखो इस ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल कितना है, जब ये 30 है, इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, इस वाले ट्राइंगल की ये 30 है, इस ट्राइंगल की बात करो, सॉरी इस वाले ट्राइंगल की ये 30 हो गया, इस ट्राइंगल में ये 90, करना है इन दोनों एंगल के बीच में एक फॉर्मूला होता है, इन दोनों एंगल्स के बीच में, और वो फॉर्मूला होता है कि अगर ये एंगल, अगर थीटा मानता हूं ये 30 को, ये कैलकुलेट करने का बता रहा हूं, ये अगर ये मैं थीटा मानता हूं ये वाला, ठीक है, ये मैं थीटा मानूं और ये एंगल जो बन रहा है, जो कि आपका ये कनेक्टिंग रॉड बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर मैंने इसको मान लिया है बीटा, ठीक है, तो थीटा और बीटा के बीच में एक फॉर्मूला होता है कि साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन, जहां एन जो होता है एल अपॉन आर का रेशियो, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द क्रैंक। तो अगर आप इसको यहां पुट करोगे तो बताइए मुझे बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, एंगल बीटा कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो जरा, एन फोर आ गया, जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू, जैसे साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, साइन बीटा इक्वल टू साइन 30, साइन 30 होता है 1/2 इन टू, और एन फोर आ गया, और 1/8 आ गया, 1/8, तो ये देखो बीटा कितना आ रहा है, बीटा कितना आ रहा है, साइन इनवर्स 1/8 कितना आ रहा है, अप्लाई करके देखो जरा, अप्लाई करके टेल और बताओ जरा मुझे कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू,
चलो ठीक है, इसके बाद वाला जो है किस तरीके से कैलकुलेशन जो भी होगी, कैलकुलेटिव पार्ट, वो अगली वाली क्लास में बता देंगे इसका, ठीक है? ये वाली बीटा क्लास 30 डिग्री आ जाएगा सर एक तरीका सर, है? बीटा 30 डिग्री आएगा ना सर। नहीं, 30 नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं मैं बाकी बताऊं चीजें। कैसे नहीं आएगा, नहीं आएगा, बाद में बता देंगे, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए।